चलो स्टार्ट लाइव है गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से आइए और कितना टाइम लगेगा अरे एक दो क्या थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है यार क्लास स्टार्ट करने में कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ पहाड़ टूट गया जो तुम लोग इतने आग बबूला हो रहे हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन जल्दी आइए जो बच्चे नहीं आए सकील अहमद गुड मॉर्निंग रुपेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग कुलदीप गुड मॉर्निंग अमित कुमार सिन्हा राम राम सोनू कुमार गुड मॉर्निंग अभिलाष गुड मॉर्निंग जल्दी आइए लाइव आइए जो बच्चे नहीं आए हैं आ, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ मैं अभी दो तीन बच्चों के कमेंट पढ़ रही थी वो बोल रहे थे कि एक तो क्लास रेगुलर नहीं होती है ऊपर से ऐसा होता है भैया ये टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ा बहुत पाँच दस मिनट में तो ऑफ़लाइन में टीचर भी लेट हो जाता है तो क्या हो गया और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपकी क्लास रेगुलर नहीं है तो दो दिन से आपका क्लास ऑफ हुआ था मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे वायरल हो गया था यहाँ पर मौसम थोड़ा वेदर चेंज हुआ जिसकी वजह से मुझे पेट में भी इन्फेक्शन हो गया स्टमक में भी इन्फेक्शन हो गया था और मुझे थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट क्लास में डिजीज़ पढ़ाई थी डिजीज़ पढ़ाकर मुझे खुद को डिजीज़ हो गई बहुत सारी तो थोड़ा सा तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार क्या हुआ था बीमार होगी थोड़ी बहुत तो इसमें इतना हवाला करने की क्या जरूरत थी क्लास नहीं हो रही हमारा सिलेबस नहीं हो रहा अच्छा दो चार बच्चे हैं मैंने उनका देखा है वो यूट्यूब पे भी जाके ऐसे बोलते हैं कि मैम का सिलेबस मैम दो महीने का बोला था सिलेबस नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो तो इसमें सिलेबस का तुम लोग मतलब सिलेबस पे आके कैसे अट जाते हो यार मैंने कहा था सिलेबस की तुम्हारा हार्डली एक वीक का सिलेबस बचा है इसमें तुम लोग इतना हाइपर क्यों हो जाते हो हर कहीं कमेंट करने लग जाते हो दो महीने का बैच था सिलेबस नहीं हुआ ये नहीं हुआ सिर्फ तुम्हें सिलेबस करने से ही मतलब है क्या मतलब और कुछ करने से मतलब नहीं है मतलब ढंग से पढ़ने से मतलब नहीं है हाँ आटे निकाल हम्म हाँ, तो बार -बार क्या हो गया और स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था क्या हो गया हर किसी इंसान को बुखार हो सकता है मुझे भी हो गया तो नहीं नहीं आ पाई मैं मैम अगर ऑफलाइन आते तीस मिनट खराब हो जाते हैं यहाँ तो दस पंद्रह मिनट मेरे लगते हैं उसमें भी तैयारी कर सकते हैं है, मैम हम ठीक है चलिए आज तो मैम डॉक्टर लग रहे हैं अच्छा मैं डॉक्टर लग रही हूँ अरे नहीं मैम मुझे ढंग से पढ़ना है अच्छा ठीक है हम्म तो तुम लोग ऐसे मत क्या करो कि सिलेबस खत्म नहीं सिलेबस खत्म कर दो सिलेबस खत्म कर दो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं दो महीने का मैम ने बोला था अभी तो तीन महीना हो गया हमारा सिलेबस नहीं हुआ कंप्लीट तो यार मैं यहाँ पर पढ़ा पढ़ाती हूँ मैं तुम लोगों को दो घंटे में हार हार्डली कोई पाँच से दस मिनट आपके कॉमेंट्स वगैरह लेती हूँ बाकी मैं पढ़ाती ही हूँ मैं यहाँ टाइम पास नहीं करती हूँ और रेगुलर क्लास चली आपकी सिर्फ दो दिन नहीं हुई है उसके लिए भी मैं कल आपकी संडे क्लास लगा रही हूँ तो इतना मत कीजिए धीरे धीरे पढ़िए स्लोली स्लोली चीजों को पढ़िए ऐसा पढ़िए कि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि सिलेबस खींच दो खींचने को मैं सिलेबस खींच दूंगी मैं डिजीज आपको डिजीज पांच साल डिजीज वायरल में करवाऊंगी पांच साल आपको बैक्टीरिया में करवाऊंगी आपको पता भी नहीं लगेगा एक घंटे का चैप्टर था डिजीज वाला जबकि डिजीज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया और अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको तो ऐसा नहीं लेना आपको टेंशन नहीं लेनी है सिलेबस अपने आप में खत्म करवा दूंगी मैंने कहा था एनटीपीसी तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और आप रिवीजन भी कर लोगे उसका एक वीक का हार्डली आपका सिलेबस है हो जाएगा सारा और दो दिन क्लास नहीं हुआ तो दो दिन बेटा मेरी तबियत खराब थी मुझे वायरल हो रखा था या मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो रखा था कुछ भी खाऊं मुझे स्टमक में आ, दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी मैं आउट ऑफ डैली थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी ठीक है चलिए अब क्लास स्टार्ट करें हम आयुष ऐसा नहीं है बेटा अच्छा एक बच्चा कह रहा है मैम यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच रुपेंद्र आपने एक कमेंट बहुत बड़ा टाइप किया चलिए अब पढ़े हम तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या हम पढ़ रहे थे मैम एनिमल डिजीज एनिमल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि प्लांट वाली हम प्लांट में पढ़ेंगे ठीक है एनिमल डिजीज मानव रोग हिंदी में क्या बोलते हैं मानव रोग अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कि डिजीज दो टाइप से होती है मेनली कैसे कैसे होंगी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिविजन ले लेते हैं ताकि आपको याद हो कुछ ठीक है देखिए एनिमल डिजीज दो टाइप की होती है एक होती है जेनेटिक जेनेटिक का मतलब क्या होता है ऐसी बीमारी मैम जो हमें बाई बर्थ हो जो हमें मम्मी के पेट से हो और मम्मी के पेट से मिली हो जो जो बीमारी हमें बाई बर्थ हो उनको हम क्या बोलते हैं कि उनको बोलते हैं जेनेटिक या अनुवांशिक रोग देन मैंने आपको लिखवाया था कि जेनेटिक डिजीज क्यों होती हैं तो मैंने इसका रीजन बताया था जेनेटिक डिजीज क्यों होती है या तो हमारे कुछ हॉर्मोनल इम्बेलेंस हो जाए कुछ हॉर्मोन में प्रॉब्लम हो जाए तो हमें जेनेटिक डिजीज हो जाती हैं ठीक है, है? हिमांशु चौरसिया थैंक यू वेरी मच ठीक है चलो अब हम थोड़ा पढ़ ले बाद में बात ध्यान देंगे मिथेन जो हर्डाने पर क्या बनता क्या मैं को आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया सुजीत कुमार छोटे वाले अंदर वाले देखो इसमें है ये रहे हम्म देखिए तो एनिमल डिजीज दो टाइप की हो सकती हैं एक मैंने बताया था जेनेटिक जिसको बोलते हैं हम आनुवांशिक आनुवांशिक का मतलब क्या बताया था मैम ऐसी बीमारी जो हमें एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में मिलती हो आगे से आगे ट्रांसफर होती हो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक क्यों क्यों होती है एक तो हार्मोन कोई इंबैलेंस हो गया दूसरा कोई जीन हमारा खराब हो गया कोई जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच ही नहीं पाया या कोई डीएनए में प्रॉब्लम हो गया डीएनए को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं पढ़ाया था मैंने आपको या क्या हो गया हो या कुछ ना कुछ क्रोमोजोम में प्रॉब्लम हो गई हो तो मैम इतने सारे रीजन हो सकते हैं किस में जेनेटिक डिजीज होने का दूसरी साइड मैंने आपको क्या पढ़ाया था दूसरी साइड मैंने आपको पढ़ाया था ऐसी डिजीज जो एक्वायर करते हैं acquired का मतलब है जो हम एनवायरमेंट से जो हम वातावरण से कभी भी हम acquire कर सकते हैं जैसे मेरे को हो गई थी दो दिन पहले वैसे कभी भी एक्वायर होने वाली कभी भी हो जाए जो डिजीज उसको बोलते हैं ठीक है? दो टाइप की होती है मैम आपने पढ़ाया था एक होती है इंफेक्सियस इनफेक्सियस का मतलब होता है संक्रामक रोग इन्फेक्सियस का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो किसी इन्फेक्शन के बाहर से आने से हुई लाइक like, हमारे बॉडी में बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया और उस इन्फेक्शन ने हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स क्रिएट कर दिए और उसकी वजह से हमें बीमारी होगी उसको बोलते हैं इन्फेक्सियस संक्रामक रोग और ये हमें कौन कौन सी पढ़नी है मैम चार टाइप की पढ़नी है बैक्टीरियल मतलब कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आया हमें इन्फेक्शन हो गया दूसरी मैम हमें वायरस से पढ़नी है कोई बाहर से वायरस आया

इन्फेक्सियस डिजीज हिंदी में इसको बोलेंगे असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग का मतलब है ऐसी बीमारी ऐसी बीमारी नंदन कुमार आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने पेज को तो आपको क्लास दिख जाएगी तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जिनका वीडियो रुक रुक के चल रहा है प्लीज वो अपना पेज को रिफ्रेश कर लीजिए या एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करेंगे आपका वीडियो सही चल जाएगा ठीक है असंक्रामक रोग क्या होते हैं ऐसे बीमारियां जो बाहर से कोई इंफेक्शन के आने से नहीं होती है इंटरनली कुछ ना कुछ हमारी सेल्स में टिश्यूज में कुछ गड़बड़ होने से हो जाती है उनको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस ठीक है तो इतनी सारी हमें पढ़नी थी ये मैंने आपको पढ़ा दी थी उसके बाद हम कहां कहा चल रहे थे हम आई थिंक वायरस डिजीज पढ़

ठीक है मैम आपका पूरा क्वेश्चन जेई में आया था ओके कुंदन जेई में आया था तो अब आपका टारगेट एनटीपीसी होना चाहिए एनटीपीसी में भी आने चाहिए सारे क्वेश्चन ठीक है मैं सबका रिप्लाई दे रही हूं अभी प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए मैम बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा ठीक है चलिए मैं एक बार मार्कर दूसरा चेंज कर लेती हूँ आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा वेट कीजिए थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ दो मिनट रोकिए है ना मार्कर में इंक फिल कर लू मैं अपने आप ही कर लेती हूँ चलिए अच्छा नाइन डिजीज हो गई थी ठीक है एक बार आप कोई रिपीट ना हो जाए मैं यहां पर पढ़ा रही हूं तो कोई अगर रिपीट हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम ये आप पढ़ा चुकी हैं ऑलरेडी तो कोई रिपीट ना हो जाए और प्लीज बार बार ये मत बोला करो दो महीने का ड्यूरेशन दिया था सिलेबस नहीं हो पाया था सिलेबस कंप्लीट करना आपका कोई वो नहीं है मोटो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना ऐसे पढ़ लो साइंस एक बार कि बाद में पढ़नी ना पड़े आपको ठीक है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसे बच्चों के कमेंट देखती हूँ ना कि दो महीने का सिलेबस फिर मुझे लगता है कि यार सिलेबस को उड़ा देना चाहिए मुझे अब अब मुझे बस तीन क्लास में खत्म कर देना चाहिए इनका एक तो इनको इतने अच्छे से पढ़ाओ ऊपर से बच्चों से यह सुनने को मिलता है कि सिलेबस नहीं हुआ ये अपने कमिटमेंट पे नहीं रहते हैं टाइम्स वाले ये वो पता नहीं क्या चाहिए होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है कभी कभी तो चलिए लिखिए ब्लू मार्कर यूज करो देखिए नेक्स्ट है इबोला आप मुझे बताते रहिएगा कि मैंने कौन सी बीमारी अगर रिपीट कर दू मैं कोई तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम आपने ये रिपीट कर दी है ठीक है हाँ चेचक खसरा हरपिस रह रही हैं ओके 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 चलिए इबोला इबोला आपने सुना होगा इबोला था 2012-13 में बहुत हुआ था इबोला बहुत सारे लोगों को हुआ था है ना देखिए इबोला किसकी वजह से होता है तो आप बताएंगे इबोला में पैथोजन कौन होता है और वेक्टर कौन होता है पैथोजन का मतलब मैं हमने क्या बताया था हिंदी में पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक और रोगजनक का मतलब क्या होता है वो मेन इंफेक्शन जो बाहर से आता है और जिसकी वजह से आपको डिजीज होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम हाँ मैं कल क्लास लूंगी यस कल मेरी क्लास होगी मैं टाइमिंग आपका आ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है हम्म देखिए पैथोजन का मतलब होता है वो मेन इन्फेक्शन जो बाहर से आके हमें डिजीज करता है और इसका वैक्टर एक बात याद रखिएगा इबोला का वैक्टर बहुत बार पूछा हुआ है कि इबोला जो है वो किस वेक्टर की वजह से होता है आप बताएंगे इबोला होता है बैट की वजह से और बैट क्या होता है मैम बैट होता है मैम चमगादड़ क्या होता है चमगादड़ और आप इबोला में पैथोजन पूछे पूछे कि हम्म ठीक है पैथोजन कौन होता है तो इबोला में इबोला वायरस ही होता है इबोला वायरस ही होता है ठीक है और इसका वेक्टर कौन होता है तो आप बताएंगे इसका बैट कौन होता है आ, इसका वेक्टर कौन होता है बैट यानी बैट का मतलब होता है चमगादड़ अब आपसे पूछे किस बीमारी में सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी में सिम्टम्स क्या होते हैं तो आपको बताना है कि जो इबोला वायरस है जब ये हमारे बॉडी में आता है तो ये क्या करता है हमारे ब्लड में इन्फेक्शन कर देता है कहाँ पर इन्फेक्शन होता है आप बताएंगे हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होता है इस बीमारी में और क्या हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारी आर होती है उसकी कमी हो जाती है आर की कमी हो जाती है और आर की कमी से मैम आपने पढ़ाया है खून की कमी हो जाती है और खून की कमी को क्या बोलते हैं हम अनेमिया हो जाता है खून की कमी हो जाती है ठीक है ये आपको स्टार करके लिखना है इसका वेक्टर ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो इबोला है इबोला बीमारी उसका वेक्टर क्या है आप बोलोगे मैम किसका नहीं पिग नहीं हो सकता सुअर यहां पर नहीं हो सकता बेटा हिमांशु पिग के लिए अलग होता है वो आगे बताऊंगी मैं यहां पर वैक्टर कौन है इसका बैट तो आपको जैसे चमगादर ने काटा या फिर कुछ भी चमगादर के कॉन्टेक्ट में आ गया आप कैसे भी तो चमगादर के अंदर कौन सा वायरस रहता है इबोला वायरस और आपके अंदर आ जाएगा इबोला वायरस तो आपके ब्लड में इंफेक्शन हो जाएगा आप में आरबीसी की, की कमी हो जाएगी और आरबीसी की कमी खून की कमी हो जाएगी क्लियर है तो ये आपका हो गया इबोला नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद इबोला के बाद आता है आपका नीफा फ्लू ये जो अभी चल रहा है नीफा फ्लू आप सब जान रहे होंगे नीफा फ्लू जिसको बोल रहे हैं नीफा फ्लू ठीक है नेक्स्ट जितना भी नंबर है आप उतना नंबर लगा के लिखिए नीपा फ्लू अब क्वेश्चन आता है कि नीपा फ्लू है वो किस वायरस की वजह से होता है तो आप बताएंगे नीपा फ्लू है वो नीपा वायरस की वजह से ही होता है यहां पर इस वायरस का नाम भी क्या है नीपा वायरस है बट इस वायरस के लिए आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है इन वायरस को क्या कहा जाता है इन वायरस को जूनोटिक वायरस कहा जाता है इन वायरस को जूनोटिक वायरस कहा जाता है अब मैम ये जूनोटिक वायरस क्या होते हैं कभी पूछ ले हमसे एग्जाम में जूनोटिक को हिंदी में जूनोटिक ही कहा जाएगा इनको जूनोटिक वायरस कहा जाता है देखो जू का मतलब होता है एनिमल पढ़ाया था मैंने जैसे जूलोजी एनिमल होता है ठीक है तो जूनोटिक वायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस जो हमें कहां से हो जो एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचे ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचे ठीक है जो जानवर से कहां पर आए जो मनुष्य तक आए ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं ऐसे वायरस को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं तो कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जूनोटिक वायरस क्या होते हैं आप क्या बताएंगे ऐसे वायरस जो एनिमल जानवरों से ह्यूमन तक आए जैसे कोई भी जानवर है उसके अंदर था और उस जानवर के कांटेक्ट में रहने से आपको भी आ गया अब बात आती है नीपा वायरस आने से क्या हो जाता है तो नीपा वायरस आपके ब्रेन के पास आता है है ना आपके दिमाग के पास आता है और याद करो मेरी एक क्लास मैंने आपको पढ़ाया होगा कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनता है मैं बता चुकी है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन करता है तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम ए का नाम देते हैं और मैंने आपको एक बात बताया होगा कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्गन को जरूरत होती है तो हमारे जितने भी सारे ऑर्गन्स है उनको रेगुलेट कौन करता है हमारा ब्रेन और एक बात याद रखना हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को होती है अप्रोक्स ट्वेंटी परसेंट अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का जो टोटल अमाउंट है उसका ट्वेंटी परसेंट जो अमाउंट है वो किसको रिक्वायरमेंट होती है उस हमारे ब्रेन को रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ब्रेन क्या करता है आ, बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल रेगुलेट करता है सबको सिग्नल्स देता है तो क्या हुआ तो हमारा ब्रेन क्या करता है ज्यादा काम करता है और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है मैम ऊर्जा चाहिए होता है एनर्जी तो ब्रेन के पास ज्यादा एनर्जी होना चाहिए तो क्या करता है आपका नीपा वायरस क्या कर रहा है नीपा वायरस हमारे ब्रेन के पास जा रहा है और हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो हमारे ब्रेन के पास बेसिकली किसकी कमी हो जाती है एनर्जी की कमी हो जाती है क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम कर रहा है इसीलिए यह वायरस आजकल बहुत फैला हुआ है आपको पता पताइए नीपा वायरस साउथ साइड तो बहुत ज्यादा भी है यह बेंगलुरु वगैरह में ज्यादा भी है तो यह क्या कर रहा है ये हमारे ग्लूकोज के अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है कहां का ग्लूकोज आप बताएंगे हमारे ब्रेन में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है अप्रोक्स 20 परसेंट हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो यह हमारे ब्रेन में ग्लूकोज के अमाउंट को कम कर रहा है जब हमारे ब्रेन के पास ग्लूकोज का अमाउंट कम रहेगा तो हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं उनके पास एनर्जी की कमी होगी और मैम ब्रेन की सेल्स क्या होती है? ब्रेन की सेल्स होती है तो कहने का मतलब है हमारे न्यूरोन्स के पास एनर्जी की कमी है और धीरे 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 हमारे क्या होते हैं नॉन एक्टिव या डीएक्टिवेट होते रहते हैं इस वायरस की वजह से और हमारा ब्रेन में आप कोमा में जा सकते हैं ब्रेन में सूजन हो सकती है आपका दिमाग फेल हो सकता है आपके ब्रेन का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर सकता है और ऑटोमेटिकली आपका अगर ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर दिया तो धीरे 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 हमारे सारे भी इंटरनल ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे क्योंकि कंट्रोल एंड रेगुलेशन खत्म हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी तो इसको कहा जाता है नीपा फ्लू या नीपा वायरस से होने वाली फ्लू ठीक है बता देंगे अच्छा देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा <coughs> एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो नीपा वायरस है वो किस सिस्टम को इफेक्ट करता है आप लिखेंगे ब्रेन ब्रेन किस सिस्टम में आता है नर्वस सिस्टम में। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि इबोला वायरस किस सिस्टम को इफेक्ट करता है तो आपने ब्लड पढ़ा और ब्लड किस सिस्टम में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में है ना राइट पढ़ाया था मैंने तो ये किसको इफेक्ट करती है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को और ये किसको? तो ये आप बताएंगे ये हमारे नर्वस सिस्टम को ये हमारे नर्वस सिस्टम को ऐसा आपको याद करना है ठीक है हां ब्रेन के अंदर सूजन हो जाती है अच्छा ब्रेन कहीं भी हमारे बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग होती है तो उसको साइंस में स्वेलिंग नहीं कहते उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन उनको कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे आ, आपको चांटा मारा आपका मम्मी ने चांटा मारा गाल पे आपके गाल सूज गया तो साइंस की लैंग्वेज उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो गया उसमें सूजन हो गई तो आपसे कभी कभी आपको बुक्स में या न्यूज में आप पढ़ सकते हैं कि जो निपा वायरस है वो हमारे ब्रेन में सूजन कर रहा है या ब्रेन में इंफ्लामेशन कर रहा है तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है सूजन तो कहाँ पर सूजन आ रही है ग्लूकोज की कमी से तो हम क्या बताएंगे हमारे ब्रेन में आ रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़े हाँ और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो गया नीपा वायरस तो उसका जो होने वाला बेबी है वो प्री मैच्योर हो सकता है या उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा उस बच्चे का वो मैच्योर नहीं हो पाएगा वो बच्चा तो प्रेगनेंसी के टाइम पर इस वायरस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है नेक्स्ट पढ़े तो आपके दो और हो गए एक हो गया इबोला एक हो गया आपका नीपा वायरस और ध्यान रखिए अभी वेदर चेंज हो रहा है अभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं जैसे मुझे हो गया वैसे आपको ना हो है ना नीपा वायरस का वेक्टर कौन है बेटा नीपा वायरस का ऐसे कोई वेक्टर नहीं है बट ऐसा कहा जाता है नारियल के पेड़ में ज्यादा होता है ये नारियल जहां लगता है ना नारियल कोकोनट ट्री उसमें ज्यादा होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आपको लिखना है यहां पर स्वाइन फ्लू नेक्स्ट लिखना है स्वाइन फ्लू ये भी बहुत चला था एक बार बीच में स्वाइन फ्लू बहुत सारे आपने पढ़ा मैम फ्लू का आ, हाँ जूनोसिस डिजीज वायरस से ही होती है मेनली मैम फ्लू का हिंदी क्या होता है बेटा अब फ्लू का कोई हिंदी नहीं होता है फ्लू का कोई भी हिंदी नहीं होता है उसको फ्लू ही कहा जाता है स्वाइन फ्लू देखिए स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है आप बताएंगे इसके दो इसके दो वायरस हैं एक होता है एच वन एन वन एक होता है एच टू एन टू एक होता है एच वन एन वन दूसरा लिखेंगे एच टू एन वन आपसे पूछे कि जो स्वाइन फ्लू है वो किस किस की वजह से हो सकता है तो आप बताएंगे एच वन एन वन और दूसरा अच्छा ये स्वाइन फ्लू लिखा है ना हमने तो एच थ्री एन टू एच थ्री एन टू और ये स्वाइन फ्लू किससे आ रहा था तो आप बताएंगे पिग से सुअर से सुअर से आ, हिंदी में लिखेंगे सुअर ठीक है अब यहां पर आपसे पूछे पैथोजन कौन है तो आप इन दोनों को पैथोजन बना दो ये दोनों पैथोजन है रोगजनक है और अगर वेक्टर पूछे तो कौन हो जाएगा वाहक कौन हो जाएगा इसका सुअर हो जाएगा तो ये आपका स्वाइन फ्लू हाँ स्वाइन फ्लू पिग से होता है बिल्कुल आपने सही बोला स्वाइन फ्लू पिग से ही होता है अब स्वाइन फ्लू के अंदर होता क्या है बेसिकली तो स्वाइन फ्लू के अंदर एक तो इंसान को बहुत ज्यादा फीवर रहता है दूसरा इंसान की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं बेसिकली इंसान की जो हड्डियां हैं उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो हड्डियां कमजोर होकर हड्डियां पतली या इंसान सूख जाता है दिन भर दिन सूखता रहता है तीसरा इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है कहने का मतलब है इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हो गया आपका लिम्फ हो गया आर हो गया डब्लू हो गया प्लेटलेट्स हो गया उनमें इन्फेक्शन हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकती है तो ये होता है आपका स्वाइन फ्लू बेसिकली बस आप इतना याद रखिएगा जो स्वाइन फ्लू होता है वो एच वन एन वन या एच थ्री एन टू वायरस की वजह से होते हैं ये वायरस से इनका कोई फुलफॉर्म नहीं होता है ये वायरस का ही नाम है ठीक है और ये इनको पैथोजन बोल सकते हैं आप और यहाँ पर वैक्टर कौन होता है पिग या सुवर होता है ठीक है और हाँ, सुवर से होता है बिल्कुल सही बोला आपने और क्या होता है इसमें बहुत तेज बुखार रहेगा कैल्शियम का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी खराब हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी खराब हो सकता है ठीक है नेक्स्ट आप लिखिए बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू नेक्स्ट है आपका बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो बर्ड फ्लू है वो किस वायरस की वजह से होता है जो बर्ड फ्लू होता है वो होता है एच फाइव एन वन वायरस की वजह से ये इसको स्टार करके लिखेगा ये आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है हाँ एच वन एन वन एच थ्री एन टू की वजह से होता है आपको स्वाइन फ्लू अगर बर्ड फ्लू पूछे तो आप बताएंगे एच फाइव और एन वन की वजह से होता है ठीक है हाँ बर्ड फ्लू का पैथोजन जो होता है वो एच फाइव और एन वन होता है अब आपसे पूछे ये तो हो गया इसका पैथोजन ये तो हो गया इसका पैथोजन अब पूछे आपसे इसका वेक्टर कौन होता है इसका वेक्टर वाहक तो आप बताएंगे जो कुक्कड़ फैमिली होती है कुक्कड़ समझते हैं कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ुकू का मतलब क्या होता है जो मुर्गी वगैरह होते हैं है ना तो इसको कुक्कड़ फैमिली या एविएशन फैमिली का नाम दिया जाता है एविएशन एनफ्लुजा का नाम दिया जाता है जो कुक्कड़ फैमिली होती है वो इसकी वैक्टर होती है कुक्ड़ फैमिली का मतलब होता है मुर्गा हो गया जो कुकड़ू को कु वाले ये वाले ठीक है बर्ड फ्लू कुकड़ फैमिली इसका वैक्टर हो गया अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं क्या कर देगा ये तो इसमें एक तो इंसान को बहुत तेज फीवर रहता है फ्लू कोई भी हो आपको बुखार तो रहेगा ही रहेगा हाँ मुर्गी वगैरह इसके वैक्टर होते हैं आपको बुखार तो रहेगा ही रहेगा उसके अलावा क्या होते हैं इस सिस्टम में इस बीमारी में क्या होता है आपका जो इम्यून सिस्टम है इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है तो मैम आपने बताया था वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या बाहर से जो आने वाली इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट मारने का काम करता है तो इम्यून सिस्टम क्या होता है इंसान का कमज़ोर हो जाता है इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा यहाँ पर आपका और एक सिस्टम और इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी गड़बड़ हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को इफेक्ट करती है बीमारी ये पॉइंट आप याद रखिएगा नोट डालकर कि स्वसन तंत्र फेफड़े वगैरह में इन्फेक्शन कर देते हैं वायरस तो फेफड़ों में बेसिकली क्या होता है आपका जो न, फेफड़ों के अंदर जो एलवेलाई होती है जो मैंने पढ़ाया था उनके अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है फिर ग्लूकोज का भी अमाउंट कम हो जाता है अल्टीमेटली इंसान के बॉडी में एकदम कमजोर मतलब एकदम वीकनेस ही रहने लग जाती है उसको बोलते हैं हम बर्ड फ्लू ये याद रखिएगा ये कुक्कड़ फैमिली से होते हैं मुर्गे वुरगे जो होते हैं उनमें होती है ठीक है और कौन सा वायरस एच वायरस इसका पैथोजन होता है कि सिस्टम को इम्यून सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को ये क्या हैं, तो इफेक्ट है, है, <coughs> से जबकि बर्ड फ्लू होता है, वो फैमिली से होता है मुर्गे वगैरह से हाँ चिकन खाने से ज्यादा होता है मतलब बोला जाता है कि चिकन खाने में इंसान को बर्ड फ्लू होने का चांस ज्यादा रहता है ठीक है रविपाल ओके चलो नेक्स्ट अपनी बीमारी है मीजल्स मीजल्स करवा दिया था खसरा करवा दिया था जल्दी बताइएगा क्या मैंने आपको मीजल्स करवा दिया था मीजल्स इस साल पूछा था आर आर बी में कि कौन सी एक बीमारी है जिसको आप कॉम्युनिकेबल बीमारी कह सकते हैं मीजल्स जल्दी बताइए मीजल्स करवा दिया था क्या खसरा प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए मैंने खसरा जर्मन मीजल्स या मीजल्स आपको करवा दिया था क्या अच्छा नहीं हुआ फिर लिखिए एक साइड लिखिए मीजल्स और एक साइड लिखिए जर्मन मीजल्स एक साइड लिखिए जर्मन मीजल्स देखो इसको हिंदी में लिखा जाएगा खसरा खसरा इसको कहा जाता है जर्मन खसरा इनके वायरस अलग अलग हैं इसलिए ज्यादा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए यहां पर पूछा जाता है ये मीज़ल्स मीज़ल्स नॉर्मल मीजल्स खसरा, खसरा और उधर वाला होता है जर्मन मीजल्स इसमें क्या होते हैं कि दोनों के वायरस अलग अलग होते हैं तो पूछा जाता है यहां पर इतना ज्यादा देखिए इस मीजल्स में कौन सा वायरस है आप बताएंगे जो मीजल्स है उसमें पैथोजन कौन होता है इसके पैथोजन का नाम होता है पैरामाइग्जो वायरस इसके पैथोजन का नाम होता है पैरा माइग्जो वायरस पैरा वायरस और इधर जो पैथोजन है इसका जो रोगजनक है बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं ये दोनों एक जैसी नहीं है इसका जो पैथोजन है उसका नाम होता है रुबेला वायरस ये बहुत बार पूछा जाता है रूबेला वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है रूबेला विषाणु की वजह से कौन सी बीमारी होती है आप बताएंगे जर्मन मीजल्स होता है और याद रखिएगा ये दोनों कॉम्युनिकेबल डिजीज होती हैं क्योंकि इनका वैक्टर क्या होता है इनका जो वाहक होता है वो ये जो वायरस है ये पानी में रह सकते हैं ये हमारे सलाइवा में लार में रह सकते हैं और ये एयर में रह सकते हैं इसीलिए ये कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है इसीलिए आरआरबी ने इस बार पूछा था कि इनमें से कौन सी एक कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वहां पर आपको ऑप्शन में क्या करना था मीजल्स था वहां पर जर्मन मीजल्स नहीं था वहां पर सिर्फ मीजल्स था क्योंकि ये हर जगह रह सकता है पानी में हवा में लार में हर जगह सरवाइव कर सकता है पैरामाइग्जो वायरस इसका पैरामाइग्जो होता है उधर रुबेला वायरस होता है ठीक है हाँ जो पैरामाइक्जो है वो मम्प्स भी करता है और ये भी करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए जो मीजल्स है इसके अंदर होता क्या है बेसिकली इस मिजल्स के लक्षण अगर मैं बताऊं आपको तो इस मिजल्स के अंदर आपको बुखार रहेगा बुखार दोनों में रहता है मेनली यहां पर क्या होता है आपकी जो इंटरस्टाइन होती है वो डैमेज हो जाती हैं इंटेस्टाइन आपकी खराब हो जाती हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो इंटरनली डैमेज हो जाती हैं आपकी आंतों में क्या हो जाता है इंफेक्शन हो जाता है आपकी आंत में जब इन्फेक्शन हुआ है अब आप, आप मुझे बताओ आंत में क्या होता है मैम डाइजेशन का प्रोसेस होता है और फूड को एब्जॉर्बन भी कहाँ पर होता है आंत में होता है तो मैम अगर यहां पर आंत ही खराब होगी तो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है तो इसके सिम्टम्स क्या है इसमें आपको वॉमिटिंग होगी इसमें आपको वॉमिटिंग और आपको लूज मोशंस दस्त लग सकते हैं बुखार के साथ वॉमिटिंग दस्त होगा इंटरनली आपकी इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो सकती है खराब हो सकता है ये आपका होता है मीजल्स और याद रखिएगा ये दोनों ही कॉम्युनिकेबल डिजीज होती हैं कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक रोग और संक्रामक का मतलब है कि आप एक इंसान को मीजल हो रखा है उसके बगल में आप जाकर बैठ गए और आपको भी हो गया ठीक है जबकि जर्मन सिल्वर में क्या होता है ये रुबेला वायरस क्या करता है ये आपके ब्लड में इंफेक्शन करता है यहाँ पर ब्लड में इन्फेक्शन होता है वहां स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होता है नेक्स्ट यहां पर आप में खून की कमी हो जाती है बेसिकली आपको दिन मतलब आठ सात दिन में एक ब्लड का यूनिट आपको चढ़ाना ही चढ़ाना पड़ेगा ठीक है यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट यहां पर आपका अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खराब हो जाता है तो आप याद रखिएगा कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है जबकि ये मीजल्स किसको करता है तो आप बताएंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है दोनों अलग अलग बीमारी में फिर बता देती हूं आपको ये पाचन तंत्र को प्रभावित करती है यह सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक है ये दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग याद रखिएगा ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट लिखिए अब एक बीमारी है उसमें वायरस का तो ऐसा नहीं है बट वहां पर आपको बीमारी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था सीजीएल कि बीमारी किस कंट्री से आई थी एक फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे कि एस ए आर एस की फॉर्म क्या होती है एस ए आर एस की फॉर्म क्या होती है लिखिए एस ए आर एस ये भी एक वायरस के इंफेक्शन से ही होती है इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है जैसे बायोलॉजी में पूछते हैं ना कि आ, फुल फॉर्म विनीत कुमार इनके टीके की खोज नहीं है आप किसके टीके की पूछ रहे हैं प्लीज आप मुझे बताएंगे तो मैं बता पाऊंगी कुछ देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है सेवरे सेवरे अक्यूट रेस्पिरेटरी अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिंड्रोम देखो मैंने आपको बताया होगा कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाना है ना तो यहां पर क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर बहुत सारे वायरस का एक इन्फेक्शन से आ जाता है कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर एक वायरस का आप नाम नहीं ले सकते मेनली रुबेला हो गया अरबो वायरस हो गया ये बहुत सारे वायरस क्या होते हैं एक साथ आ जाते हैं तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है इस एस ए आर एस पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्योंकि इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है इसको बोलते हैं सेवर सैवरे अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होता है सेम नाम होता है आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें क्या होता है बहुत सारे वायरस का एक ग्रुप आता है ग्रुप ऑफ वायरस कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर आप एक वायरस को पॉइंट आउट नहीं कर सकते तो हुआ क्या करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका डैमेज होने लग जाता है कहने का मतलब है कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि इस बीमारी में आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है तो वो सुनिए अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है आपने सांस कहां से लिया नाक से तो आपके नाक में इंफेक्शन रहेगा नाक लाल हो जाएगी नाक से पानी रहेगा नाक में जलन रहेगी उसके बाद आपका जो ट्रैकिया है आपका ट्रैकिया ट्रैकिया वाला पार्ट मतलब ट्रैक क्या में भी फूड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगा खाना फंस जाएगा कुछ भी हो सकता है या आपका जो फेरिंग्स वाला है गले वाला पार्ट है इसमें दर्द रहता है गला सूज जाता है इसको कहा जाता है, है ना और उसके अलावा क्या होता है आपको याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो खराब हो ही जाता है इसमें क्या होगा इंसान को बहुत दिन तक कफ रहेगा मतलब आपका जो विंड पाइप है वहाँ पर कफ फंस जाता है जो फूड है वो प्रॉपर जा नहीं पाता है मतलब बहुत काइंड ऑफ बहुत ही गंदी सी बीमारी है और इसमें क्या होता है आपको एक बात याद रखनी है कि इस बीमारी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब मैम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फिर डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे लोगों को फिर आपका ऑक्सीजन का मास्क चढ़ा के रखना पड़ता है बेसिकली ये ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है इसके अंदर ऑक्सीजन का मास्क उसको सारे दिन उस बच्चे को या जिसको भी हुआ है उसको चढ़ा रखता है तो आप इसमें पैथोजन कभी पूछेगा नहीं ऐसे तो आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ वायरस बहुत सारे वायरस का ग्रुप आ जाता है एक साथ तो उसमें क्या हो जाता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है कफ रहता है बुखार रहता है सर्दी रहती है जुकाम रहता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होता है उस इंसान में ऑक्सीजन की बिल्कुल मतलब कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मैम क्या हो जाता है कि उस इंसान को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा के रखना पड़ता है ठीक है ये आपको याद रखना है किसके अंदर तो आपका एस ए आर एस हो गया क्योंकि तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक मिनट का टाइम दीजिए मैं पानी पीकर आती हूँ मेरा गला सूख गया चलिए अब आप इस पढ़ते हैं आ, अनुराग थोड़ा सा कमेंट पढ़ लूँ बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं हिंदी का नया बैच कब शुरू होगा बहुत जल्दी होगा बेटा विनीत कुमार कह रहे हैं कि खसरे के टीके का इन्वेंशन किसने किया तो जो खसरा है उसका टीका शायद विल मैन ने किया था विल मैन नाम के साइंटिस्ट ने एक बार आप कंफर्म कर लेना डब्ल्यू आएगा या वी आएगा ऐसा कुछ स्पेलिंग है उन्होंने खसरे का टीका बनाया था सबसे पहले उसके बाद मुझसे एक बच्चा पूछ रहा है मैम एस ए आर एस कौन से कंट्री से आया तो एस ए आर एस सबसे पहले चाइना से चाइना कंट्री से आया था चाइना में सबसे पहले आया था ये ग्रुप एक वायरस का ग्रुप ठीक है किसने पूछा था आ, राइट ठीक है सोनू सिंह आपने पूछा था शायद मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो ये विल मेन नाम के साइंटिस्ट डब्ल्यू आएगा या वी आएगा ऐसा कुछ कंफर्म कर लेना आप विनीत कुमार जिन्होंने खसरे का टीका बनाया था सबसे पहले वैक्सीन बनाया था आपसे पूछ ले वैसे हु डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ मीजल तो आप बताइए खसरे के टीके का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट विल मेन नाम के साइंटिस्ट थे ठीक है और ये ऐसे आर चाइना से आया था क्लियर है चलो हो गया ये आपको इतनी वायरस डिजीज याद करनी थी अब चलते हैं हम आगे बैक्टीरियल डिजीज में अब हमें पढ़नी है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आज हम सारी डिजीज कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए इस डिजीज वाले चैप्टर में ये मैं आपको इतनी सारी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आते हैं हाँ आप हिंदी का बैच पुराना ले सकते हैं अनुराग अच्छा है चलिए अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं बट उससे पहले आपको कुछ बैक्टीरियल बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ पता बातें पता होना चाहिए चलिए बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु जनित रोग ऐसी बीमारियां जो किससे होती हो बैक्टीरिया से सबसे पहला क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी जल्दी बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की बैक्टीरिया hmm. की खोज किसने की तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन होक ने की थी याद रखिएगा ल्यूवन होक ने बैक्टीरिया की खोज की थी नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं आप बताएंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज बैक्टीरियोलॉजी है ना बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया या जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करना जीवाणुलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है कि बैक्टीरिया होते क्या हैं तो आप बताओगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेलवोल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है सेलवोल पाई जाती है कोशिका भित्ति पाई जाती है ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं होती तो आप बताएंगे सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर ठीक है अब क्वेश्चन आता है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट में सेल वॉल होती है और प्लांट की सेल वॉल में क्या रहता है मैम आपने पढ़ाया था प्लांट की सेल वॉल में क्या रहता है रहता है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर बैक्टीरिया में सेलवोल है कोशिका भित्ति है वॉल क्या होता है मैम आउटर लेयर जो आपने बताई थी वो तो वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है विनोद कुमार कह रहे हैं क्लास होगी या नहीं होगी क्लास ऑलरेडी चल रही है वैसे भी जल्दी बताइए बैक्टीरिया की सेल्वोल किससे मिलकर बनी हुई होती है किसी ने भी अभी तक राइट आंसर नहीं दिया जल्दी बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है मैं यहां पर माइकोप्लाज्मा की बात नहीं कर रही हूं चलो मैं बता देती हूँ किसने भी सही नहीं बताया तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पैप्टीडोग्लाइकोन की।, की? की बनी हुई होती है पैप्टीडोग्लाइकोन की ठीक है किसकी पैप्टीडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है अच्छा कुछ मैंने आपको लिखवाई है कि किसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको लिखवा देती हूँ साइड में आप लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने देखा कि बहुत सारे घर बैठी बैठी मैं दो दिन से कुछ क्वेश्चंस पढ़ रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे थे रोहन इसके अंदर इंक फिल कर दीजिए प्लीज हां देखिए हाँ, जो बैक्टीरिया होती है उनकी पैप्रोडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज में नहीं आती है पवन कुमार आपने जहां से भी पढ़ा है बहुत गलत पढ़ा है ठीक है देखिए अगर आपसे पूछे कि जो प्लांट है जो पादप है उनकी सेलबोल किस से मिलकर बनी हुई होती है आप बताएंगे सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है राइट ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपसे पूछे कि जो फंगस होते हैं फंगस क्या होते हैं कवक या फूद हिंदी में लिखा होता है अगर पूछे इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है आप बताएंगे इनकी काइटीन से मिलकर बनी हुई होती है काइटीन एक कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है आप बताएंगे म्यूरीन म्यूरीन या फिर पैप्टीडोग्लाइकोन आप म्यूरिन वगैरह मत लिखो आप तो लिखो पैप्टीडोग्लाइकोन की मिलकर बनी हुई होती है उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़ों में आपका कॉकरोच भी आ जाएगा कॉकरोच तिलचट्टा केंचुआ वगैरह बटरफ्लाई सब यही आ जाएंगी अगर इनकी पूछे तो इनकी भी क्या होती है काइटीन की बनी हुई होती है ठीक है उसके बाद आपसे पूछे एलगी एलगी क्या होते हैं है मैम सेवाल सेवाल किस कलर के होते हैं है मैम ग्रीन कलर के तो ग्रीन कलर के तो भी किस में आएंगे प्लांट में तो प्लांट में आते हैं तो प्लांट की सेलवोल किसकी मिलकर बनी हुई होती है सेलुलोज की तो आप याद रखिएगा कि इतने सारे आपसे एग्जाम में पांच क्वेश्चन आपके फ्री में क्लियर हो गए से ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये याद रखिएगा कि एनिमल में या ह्यूमन में होती ही नहीं है सेलवोल तो मिलकर बनी होने के कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता तो बैक्टीरिया की क्या बैक्टीरिया में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंटोनी वो ल्यूवन हॉक या एवी ल्यूवन हॉक बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है मैम बैक्टीरिया में मैम सेलवॉल होती है और वह वो सेलवॉल किसकी मिलकर बनी हुई होती है मैम पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है अब कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होता है तो प्रोटीन और ग्लाइकोजन से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है वो छोड़ो आगे की बात है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है पोलीसेकेराइड काइटीन पोलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ये भी क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट तो बेसिकली क्या होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं अब एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूं अगला ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेलवोल नहीं होता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसमें सेलवोल नहीं होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेलवोल नहीं होता है आप बताएंगे उसका नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता सेल वॉल या कोसी का नहीं पाया जाता ठीक है याद रख लेंगे ये बात माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है और वो पैप्टीडोग्लाइकोन का मिलकर बना हुआ होता है ठीक है टाइप ऑफ बैक्टीरिया मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं मैटोजोवा प्रोटोजोवा चलो छोड़ो वो बात वो एनिमल किंगडम में पढ़ा देंगे आपको विनीत कुमार ठीक है यहाँ पर आपको इतने पॉइंट याद रखने थे अब बात आती है नेक्स्ट की बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती है इतने क्वेश्चन तो हमारे बैक्टीरिया में मुफ्त में हो गए साथ में फ्री में हो गए अब पढ़ते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारे बॉडी में जतेंद्र सिंह आप क्या कह रहे हैं मैम प्लीज गिव मी कॉन्टेक्ट नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर से क्या करना है चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज में कोलेरा कोलेरा जिसको हिंदी में हेजा कहा जाता है गर्मियों के टाइम पर जो बहुत ज्यादा होता है अब नहीं होता इतना ठीक है पहले के टाइम पर हेजा बहुत हुआ करता था पहले का टाइम बताऊं तो मैं 2009, 10 या 8 के टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कोलेरा था बहुत ज़्यादा हेजा था मई जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा हेजा होता था ठीक है देखिए कोलेरा के अंदर होता क्या है जो कोलेरा है उसका पैथोजन कौन होता है एक बैक्टीरिया होता है आपसे एग्जाम में पूछेगा हेजा किसके इन्फेक्शन से होती है आप बताएंगे एक बैक्टीरिया के कौन सा तो इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी विब्रियो री विब्रियो कोलैरी इसकी वजह से हमें क्या होता है आपका कोलेरा हेजा होता है आप पूछे इसका वेक्टर कौन है तो जब आप दूषित कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं ठीक है रोड से बैक्टीरिया कौन है पढ़ाएंगे आगे रोड से प, कौन से वाले बैक्टीरिया डोंट वेरी काजल ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कब जब हम एनिमल किंगडम में बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ाऊंगी ठीक है ओके काजल वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर अगर राउंड शेप पूछ रहा है आपको स्फेरिकल पूछ रहे है तो वो डिप्लोकोकस होता है डिप्लोकोकस चलिए इसका वाहक कौन है तो आप बताएंगे दूषित खाना कॉन्टामिनेट फूड एंड वोटर दूषित खाना और पानी ऐसा पानी जिसके अंदर फफूद लगी हुई है ऐसे खराब सा बहुत दिनों से पानी था दूषित खाना और दूषित पानी यार ये मार्कर आ, उनको गजेंद्र जी को फोन करके ना मोटे वाले मार्कर मंगवाओ रोहन तीन चार मार्कर मंगवाओ ये मार्कर खराब होते जा रहे हैं दिन भर दिन ठीक है तो ऐसा खाना जैसे आपने देखा होगा आ, आ, हमारे घरों में आ, जो हम पानी वाला फ़िल्टर है उसको साफ़ नहीं करते हैं उसके अंदर अंदर की साइड ऐसे काई सी या बैक जैसा जम जाता है उसकी वजह से हो जाता है तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा खाना पड़ा था बहुत दिनों से आपके फ्रिज में एक एप्पल रखा है एक महीने से और वो एप्पल आपने खा लिया उसके अंदर कीड़े से लगे हुए तो तब भी हो गया ठीक है तो आपको याद रखना है कि ये खराब खाने से और खराब पानी में ये इसका वेक्टर होता है और पैथोजन कौन होता है विब्रियो को ले होता है अब बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है तो आप बताएंगे हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जो हमारी आंत है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और आंतों में जैसे इन्फेक्शन होगा तो इंसान को दिन में पाँच से दस बार वॉमेटिंग होगी और वॉमेटिंग उल्टी होगा उसके बाद इंसान को लूज दस्त लगेंगे इंसान में कमजोरी आ जाएगी शरीर के अंदर और उसको भूख लगना बंद हो जाएगी उसको भूख लगना भी कम हो जाएगी भूख नहीं लगेगी ये होता है है कोलेरा अब नहीं है इंडिया में इतना ज्यादा बट पहले था तो इसलिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका डिपथेरिया एक हो गया कोलेरा दूसरा लिखिए यहां पर diphtheria. Diphtheria. हिंदी में सेम नाम बोला जाता है इसको डिप्थीरिया ही कहा जाता है हिंदी में इसका सेम नाम है डिप्थेरिया ठीक है देखिए अब आता है कि डिप्थेरिया किस किस की वजह से होता है डिप्थेरिया किस पैथोजन की वजह से होता है अब प्लीज यहां पर पढ़ाई में ध्यान दें फालतू की बातें ना करें ठीक है देखिए डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है आप बताएंगे कोर्नी बैक्टीरियम कोर्नी बैक्टीरियम की वजह से होता है कॉर्नी बैक्टीरियम की वजह से डिप्थेरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम की वजह से अब इसका वेक्टर कौन होता है ये कहाँ रहता है इसका वाहक कौन होता है डिप्थेरिया का तो जो डिप्थेरिया है उसका जो वाहक होता है वो मेनली एयर में रहता है वो हवा में रहता है तो इसका वाहक कौन हो गया एयर तो आपने खराब एयर ले ली खराब एयर का मतलब है खराब सांस लिया ऐसी एयर में चले गए आप जहां पर क्या है आपके पानी की लो इसमें इंक उसमें क्या है पानी आ, वहां पर वहां की एयर में आपका जो कॉर्नी बैक्टीरियम है वो बहुत सारे हैं वो एयरली आपने एयरली आपका नोज में आएगा एयर और एयर नोज में आएगा जैसे ही आपका नोज से आपका विंड पाइप में जाता है तो विंड पाइप के अंदर अंदर की साइड आपका ये कॉर्नी बैक्टीरियम है ये जमने लग जाता है फिर आपके फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर देता है तो फेफड़ों में जो खून होता है वो ख़राब होने लग जाता है जो खून है उसके अंदर पस्ा पड़ने लग जाता है उसके अंदर प्लाज्मा का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और पीलापन आपके खून में पीलापन ज़्यादा हो जाता है उसी को कहा जाता है डिप्थीरिया और इसे कहा जाता है डिप्थेरिया ठीक है अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है तो डिप्थेरिया के लिए जो वैक्सीन देते हैं उसका नाम है डीपीटी कौन सी वैक्सीन कौन सा टीका लगता है इसके लिए बचपन में लग जाता है इसके लिए कौन सा वैक्सीन तो हम बताएंगे कि इसके लिए डी वैक्सीन लगाया जाता है डी देखो डी जो होती है वो बेसिकली तीन बीमारियों के लिए लगाई जाती है यहाँ पर डी का मतलब है डिप्थेरिया जो मैंने बताया है पी का मतलब होता है यहां पर खांसी काला खांसी होती है काली खांसी होती है मतलब बहुत दिनों तक खांसी रहती है उसके लिए ये होती है काली खांसी और टी का मतलब होता है टिटनेस टी का मतलब होता है टिटनेस तो ये डीपीटी तीन बीमारियों के लिए लगता है ये वैक्सीन किस किस के लिए एक... नेक्स्ट लिखे तो दो बीमारी होगी आपकी बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा तो पहला कोलेरा हेजा अच्छा हेजा किस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन किस सिस्टम में आती है तो इंटेस्टाइन मैम हम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है और डिप्थेरिया जो होता है बेसिकली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये आप अपने आप नोट कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखते हैं यहां पर कोलेरा हो गया डिपथेरिया हो गया अब लिखिए आप आ, कौन सी पढ़ोगे प्रोसी लिख लो लैप्रोसी तीन नंबर पे लिखिए लैप्रोसी लैप्रोसी को हिंदी में कुछ रोग कहा जाता है या इसको हिंदी में कभी कभी छुआछूत बीमारी भी लिखी हुई होती है छुआछूत तो आप समझते ही होंगे सब लोग क्योंकि कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है ये तो कभी कभी इसको छुआ छूत भी लिखा जाता है और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गांधी जी ने लेप्रोसी की एक ऑइंटमेंट बनाई थी जड़ी बूटियों से एक दवाई बनाई थी कुष्ठ रोग की है ना अब तो नहीं है इंडिया में उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा थी ठीक है देखिए आपसे पूछे कि इसका पैथोजन का नाम क्या है कुष्ठ रोग के रोगजनक का नाम क्या है आप बताओगे माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रई माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रई ये इसके पैथोजन का नाम है इसका वैक्टर तो इसका वैक्टर एक तो ये मिट्टी के अंदर रहता है ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर दूसरा जो नॉर्मली हमारे घरों में मक्खियाँ आती हैं ना जो हाउस फ्लाइज आती हैं जो हमारे घरों में मक्खियाँ आती हैं उनके थ्रू भी ये लेप्रोसी फैल जाता है ठीक है अब बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है होता क्या इस बीमारी के अंदर तो मैं आपको बता दूं ये जो बीमारी है एक तो ये क्रोनिक डिजीज होती है अब मैम क्रोनिक टर्म तो हमने पहली बार पढ़ा है क्रोनिक का मतलब है ऐसी बीमारी जो बहुत दिनों तक रहती है आपके बॉडी में जैसे सर्दी जुकाम क्या होती है ये होती है एक्यूट एक्यूट का मतलब होता है आ, मतलब तीन चार पाँच सात दिन तक वो बीमारी रही और थोड़ा ठीक हो गया है ना ठीक हो गया आपने मेडिसिन ली अपने एंटीबायोटिक्स खाई ठीक हो गए बट क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत दिनों तक रहता है इसको हिंदी में लिखते हैं दीर्घकालीन अवस्था वाली बीमारियां दीर्घकालीन बीमारी मतलब जो बहुत लंबे दिनों तक रहे तो ये भी क्या होता है बहुत लंबे दिनों तक रहता है एक्यूट का मतलब होता है बेटा जो पांच चार दिन में जैसे मुझे दो दिन के लिए वायरल हुआ मैं ठीक होगी तो वो मेरा एक्यूट डिजीज़ में आएगा आपको जुखाम हुआ तीन दिन के लिए आपको बुखार हुआ ठीक हो गए तो वो किस में आएंगे एक्यूट में क्रॉनिक का मतलब है जैसे एच एड्स को क्रॉनिक कहा जाता है जैसे हेपेटाइटिस को क्रॉनिक कहा जाता है जो बहुत लंबे दिनों तक पाँच छः सात आठ महीने तक रहे उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं अब इस लेप्रोसी के अंदर क्या होता है इसके अंदर हमारी स्किन में इंफेक्शन हो जाता है स्किन इन्फेक्शन हो जाता है एक्चुअली होता है क्या है हमारी स्किन के अंदर ये बैक्टीरियाज आएंगे और ये आकर रहते हैं हमारी स्किन के अंदर तो धीरे 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 हमारी स्किन को गलाना स्टार्ट कर देते हैं जो स्किन की लेयर है उसको वो डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे लाइक मान लो आपके इस उंगली में आ गए बैक्टीरिया कैसे ना कैसे कैसे कांटेक्ट में आए आप तो ये बैक्टीरिया आ गया तो हमारी उंगली की जो स्किन है इसको खाने लग जाएगा ये बैक्टीरिया बहुत डैमेज कर देगा धीरे 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 हमारी स्किन के अंदर इतना ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा कि हमारी स्किन है उसके अंदर पस सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा एक वाइट कलर का लिक्विड सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 इस वाइट कलर के लिक्विड से पूरा आपका स्किन गलना स्टार्ट हो जाता है आपकी उंगली टूट के नीचे गिर सकती है फिर बहुत गंदी सी इंसान के स्किन से बीमारी स्किन से मतलब वो स्मेल भी बहुत गंदी सी आती है तो ऐसे इंसान के पास में बैठना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या होता है एक ये कॉम्युनिकेबल डिजीज होता है कॉम्युनिकेबल का मतलब होता है जो संक्रामक हो मतलब आप उस इंसान के बगल में बैठेंगे तो आपका भी हो सकता है वो तो इसमें इन्फेक्शन कहाँ होता है हमारी स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है आपकी उंगली एक टूट जाएगी फिर दूसरी आप सोएंगे रात को सुबह उठेंगे आपके एक उंगली नहीं है है ना ऐसा हो जाता है या कभी कभी क्या होता है डॉक्टर जो स्किन की इन्फेक्शन होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं कैसे आज हमारी इतने हाथ की स्किन पर कल हमारा यहाँ हो जाएगा परसों हमारा यहाँ हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करता है आगे वो बीमारी फैले ना इसलिए आपका हाथ काट सकता है आपका एक यहाँ से हाथ काट दिया साउथ अफ्रीका साइड तो आज भी है बहुत ज़्यादा रोग, पर दिल आ, मतलब दिल्ली कह रही हूं, मैं इंडिया में इतना नहीं है ठीक है ये याद रखिएगा ये स्किन इन्फेक्शन की होती है डिजीज माइक्रो बैक्टीरियम लैप्री नाम के बैक्टीरिया से होती है जो कहा रहता है मक्खियों के अंदर हमारे घरों में जो नॉर्मल मच्छिया आती है वो और दूसरा सॉइल uh, के अंदर भी रहते हैं और एक बात और बता देती हूँ ये जो बीमारी है ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं हड्डियाँ उनको भी गलाना स्टार्ट कर देती हैं ये धीरे 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 हमारी स्किन की लेयर से होता हुआ बोन्स के पास जाएगा बैक्टीरिया और धीरे धीरे हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम खाने लग जाता है हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं तो ये भी क्या होता है तो ये बीमारी भी मतलब बहुत गंदी बीमारी है इंडिया में अभी तो नहीं है तो ये आपको याद रखनी है लेप्रोसी कुष्ठ रोग उसपेंदर जी अगर आपको साउंड दो बार आ रही है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए आप हाँ बिल्कुल दोनों में ही आएगी हिमांशु बैक्टीरिया एज वेल एज कॉम्युनिकेबल यस कॉम्युनिकेबल में भी आएगी और बैक्टीरियल डिजीज में भी आएंगी ऐसे पूछ सकते हैं आपका कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉम्युनिकेबल होती है तो आप ट्यूबरकलोसिस बता सकते हैं टीबी खांसी जो भी होते हैं वो भी कॉम्युनिकेबल होती है ये भी कॉम्युनिकेबल होती है ठीक है हिमांशु चलिए अब एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको एक आ, इसके लिए आपको एक आ, मतलब ड्रग देते हैं डॉक्टर जिसको बोलते हैं एम ड्रग इसके लिए एक ड्रग दी जाती है ड्रग तो क्या है मतलब ऑइंटमेंट टाइप का होता है एम डी पी एम डी पी मल्टीपल ड्रग मतलब ऐसा कुछ इसका नाम होता है मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं उसको एम डी पी एम डी पी पी यहां पर कोई फुल फॉर्म नहीं होता इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट मतलब बहुत सारी ड्रग एक साथ दी जाती है बहुत हैवी मेडिसिन दी जाती है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ये याद रखिएगा इतना सारा ये हो गया आपका मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज दो हो गई हां दो हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी एक ट्यूबरकोसिस हो गया और सॉरी ट्यूबरकोसिस नहीं कोलेरा हो गया एक लैप्रोसी हो गया नेक्स्ट लिखो ट्यूबरकलोसिस टीबी ट्यूबरकोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं टीबी 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 होता है हमारे गांव में एक लड़की को हुआ उसका एक पैर गायब हो गया हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है ये ठीक है चलो देखिए टीबी को टीबी बोलते पहले था कि अगर आपको चार वीक लगातार खांसी है अगर आपको चार सप्ताह तक लगातार आपको खांसी है तो आपको टीबी है अब डॉक्टर ने क्या कर दिया फुलफॉर्म एम डी पी बता दिया मैंने मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होते हैं पी से कोई फुल फॉर्म नहीं होता है उसका मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको मतलब बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं हैवी मेडिसिन दी जाती हैं ऑइंटमेंट दी जाती हैं देखिए हाँ तो दो वीक से ज्यादा अगर आपको खांसी है तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं ठीक है क्यों क्योंकि टीबी एक पैथोजन की वजह से होता है अब टीबी का पैथोजन कौन सा होता है तो आप बताएंगे माइक्रोबैक्टीरियम इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसका शॉर्ट नेम में कभी कभी आता है एमटीबी बैक्टीरिया ठीक है इसका वेक्टर सबसे बड़ा बैक्टर इसका तो ऐसा कोई वैक्टर है ही नहीं जो मतलब इसमें बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता देखो कहाँ कहाँ रह सकता है ये एयर में सबसे ज्यादा हवा में ही रहता है ये सेलाइवा हमारे लार में रह सकता है ये पानी में रह सकता है ये खाने में रह सकता है हर जगह बैक्टीरिया रह सकता है ये वाला इसीलिए ये भी क्या होता है एक कॉम्युनिकेबल डिजीज होता है कॉम्युनिकेबल डिजीज ये भी क्या है एक संक्रामक रोग है कहने का मतलब है अगर किसी इंसान को टीबी है तो अगर आप उसके पास बैठ गए तो आपको भी क्या हो जाएगा टीबी हो जाएगा ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है और इसको भी हम क्या बोलेंगे इसको भी हम क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे क्रॉनिक का मतलब क्या है मैम दीर्घकालीन बीमारी कहने का मतलब है ये भी बहुत दिनों तक रहती है देखा होगा आपने टीबी और हॉस्पिटल में इनका क्या होता है वार्ड अलग से ही बना हुआ होता है इनका ठीक है उसके अलावा देखो आपको क्या याद रखना है इस टीबी के अंदर इस बैक्टीरिया से होता क्या है मान लो ये मेरे आसपास की एयर है हवा है इसके अंदर एम बैक्टीरिया है इस हवा को मैंने ले लिया तो इस हवा को इस हवा को आपने ले लिया या मैंने ले लिया कहां से लिया मैंने नोज से नोज के बाद कहाँ गई ये एयर मेरी विंड पाइप में गई और विंड पाइप के बाद मैम मेरे फेफड़ों में गई अब याद करो लंग्स वाली क्लास मैंने आपको पढ़ाया था ये आपका फेफड़ा है ऐसे और फेफड़ों के बाहर में एक झिल्ली लगी हुई होती है एक मैमरिन लगी हुई होती है और इस मैमरिन का नाम क्या बताया था मैम ने मैम ने इसका नाम बताया था प्लूरा प्लूरा तो ये क्या करता है बैक्टीरिया ये इस एयर के अंदर था ऐसे नाक नाक से विंड पाइप विंड पाइप से लंग्स और लंग्स में यहाँ पर इस मैम्ब्रेन के पास आया तो धीरे 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 ये क्या करता है हमारी मैमब्रेन को ऐसे खा जाता है ये बैक्टीरिया हमारी प्लूरा को खा जाता है फिर आप कभी टीबी वाले इंसान का एक्सरे देखोगे तो उसमें ऐसे मिला हुआ आएगा ऐसे दिखेगा आपको एक्सरे कितनी सी मैमरिन बची है फिर तीन चार महीने बाद देखोगे इतनी गायब हो गई फिर पांच महीने बाद इतनी गायब होगी एक दिन आएगा ये पूरी मैमरिन ही गायब हो जाएगी है ना तो क्या होता है कि ये मैमरिन खराब हो जाती है अब आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर आपका खून खराब होने लग जाता है फिर वो खून क्या होता है जब आप खांसते हो तो खांसने के साथ वो खून बाहर भी आ जाता है आपके माउथ से खून आने लग जाता है नाक से खून आने लग जाता है उसी को बोलते हैं हम डी इसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है इसके लिए बी वैक्सीन बैसिलस क्लूट गैलेमाइन इसके लिए जो वैक्सीन है मैम आप अंकुर सर को बोल दो एक बार ठीक है चलो मैं बोल दूंगी पीडीएफ के लिए हाँ तो अब आप लिखिए इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिलस कैलेमेट ग्यूरिन बेसिलस कैलेमेट ग्यूरिन हम्म लिख लीजिए लिख लीजिए चलो मैं लिखवा देती हूं इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस क्यूलेट क्यूलेट एंड यूरिन ये होता है इसका फुल्फ बेसिलस क्यूलेट गिन देखो आपसे क्या पूछेगा आपसे पूछेगा एग्जाम में कि टीबी किस सिस्टम को अफेक्ट करती है तो मैंने बोला टीबी किस सिस्टम कहां पर तो हमारे मैम लंग्स में इन्फेक्शन कर रही है अब बोल दे टीबी में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है आप क्या बोलोगे हमारे फेफड़े फेफड़े में कहाँ पे आप क्या बताओगे फेफड़ों के बाहर जो मैमरेन है उसमें इन्फेक्शन कर देता है और मैमरेन का नाम क्या बताया मैम ने प्लूरा अब पूछे आपसे कि कौन से कौन से कौन से सिस्टम को तो फेफड़ा किस सिस्टम में पड़ा था हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है चलिए तो ये आपका हो गया टीबी टीबी आपको याद रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमोनिया है आपका न्यूमोनिया जो बच्चों को और कुत्तों को इजीली हो जाता है हाँ बीसीजी बेसिलस कैलेमेट या क्यूलेट भी लिखते हैं इसको क्यूलेट या कैलेमेट भी लिखा जाता है और यूरिन वो तो आप ऑप्शन से सही कर देंगे फुल फॉर्म पूछेगा तो नेक्स्ट है न्यूमोनिया 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 को हिंदी में न्यूमोनिया ही कहा जाता है कोई अलग नाम नहीं है ये इसका हम्म hmm. न्यूमोनिया का पैथोजन क्या होता है न्यूमोनिया के पैथोजन का नाम क्या होता है रोग जनक इसको कहा जाता है हम्म देखिए न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है आप बताओगे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की वजह से डिप्लो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है देखो यहां पर इस डिप्लो का मतलब क्या होता है डिप्लो का मतलब होता है दो डिप्लो का मतलब टू कोकस का मतलब क्या होता है कोकस का मतलब होता है यहां पे स्फेरिकल राउंड मतलब कहने का मतलब हो गया दो बैक्टीरिया है जो एक साथ रह रहे हैं और कैसे हैं वो राउंड है उनको कहते हम डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कैसे रहते हैं ये देखो एक ऐसे रहता है फिर दूसरा इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है ऐसे आठ बना हुआ होता है इन बैक्टीरिया का हाँ तो इनको बोलते हैं हम डिप्लोकोकस बैक्टीरिया और इनका वैक्टर क्या होता है कहाँ रहते हैं तो आप बताएंगे ये पानी में ज़्यादा रहते हैं पानी या इनको कोई भी लिक्विड मीडियम चाहिए होता है लिक्विड का मतलब है जैसे कोई आपने जूस वगैरह जूस पिया आपने कोई फ्रूट हुआ उसके अंदर है ना तो लिक्विड या कोई आपका बहुत बोल सकते हैं यहाँ पे तरल पदार्थ और पानी ये दोनों इसका क्या होता है आपका वैक्टर होता है जैसे आपने ऐसा पानी वानी पिया कुछ भी तो ये कहाँ आता है वैक्टर ये आपकी लंग्स के अंदर आता है फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है अब फेफड़ों में कहाँ करता है तो याद करो मैंने बताया था फेफड़ों में ऐसे गुब्बारों जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होता है गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर इनको हम क्या बोलते हैं तो इनको हम एल्वेलाई का नाम देते हैं इनको एल्वेलाई तो यहां पर एल्वेलाई में इन्फेक्शन होता है एलवियोली या एल्वेलाई कूपिकाओं में संक्रमण हो जाता है उनमें पानी वानी भर जाता है सरफेस एरिया कम हो जाता है सिम्टम्स क्या होते हैं इसके तो इसका बेटा सिम्टम्स होते हैं सर्दी जुखाम प्लस आपकी चेस्ट में बहुत तेज दर्द रहता है चेस्ट पेन रहता है सांस लेने में दिक्कत होती है प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं आप सांस लेने में दिक्कत होती है ठंड लगती है बहुत ज़्यादा आप कम कपाते हो शिवरिंग करने लग जाते ये सब होते हैं आपके निमोनिया में मतलब बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इजीली उनके अंदर आ जाता है आपका निमोनिया वाला बैक्टीरिया याद रखिएगा नमोनिया किसकी वजह से होता है डिप्लोकोकस डिप्लो का मतलब होता है यहाँ पे टू दो और कोकस का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे स्फेरिकल राउंड शेप में जो होते हैं गोल आकार के जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनको डिप्लोकोकस बोलते हैं हम और लिक्विड चीज सही होती है इनको और आने से क्या होगा हमारे जो फेफड़े हैं उनको संक्रमित कर देती है आपसे पूछे जो टीबी निमोनिया है वो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करती हैं हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही कौन से ऑर्गन्स को लंग्स को बट डिफरेंस क्या होता है कि टीबी के अंदर लंग्स की मैम्रिन खराब होती है जबकि निमोनिया के अंदर कहाँ इन्फेक्शन होता है एलवेलाई के अंदर होता है एलवेलाई को हमने क्या बोला था अभी आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं बढ़ा चुकी हूँ यूनिट ऑफ लंग फेफड़े की इकाई को हम क्या बोलते हैं एलवेलाई कहते हैं ठीक है तो यह आपका होता है निमोनिया नेक्स्ट है आपका हम्म यार तुम लोग फालतू के कमेंट बहुत करते हो पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा और फिर क्लास नहीं होती तो हमें पढ़ना है सिलेबस नहीं है ये हुआ ये वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ जब क्लास लग रही है तो आप फालतू की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है आपका सिफलिस नेक्स्ट बीमारी है आपका सिफलिस मैम इस चैप्टर के नोट्स नहीं मिले हैं ऐप पे तो आप कौन से नंबर पे? अरे ऐप पे अभी अपलोड ही नहीं हुए तो मिल कहां से जाएंगे हो जाएंगे डोंट वरी लिखिए सिफलिस हम्म देखिए सिफलिस के पैथोजन बहुत बार पूछा गया है इसके रोगजनक का बहुत बार पूछा गया है कौन होता है आप बताएंगे ट्रिप्नो मेना ट्रिप्नो मेना पैलेडियम ट्रिप्नोनेमा पैलेडियम ठीक है तो इसका पैथोजन कौन होता है ट्रिप्नो ट्रिप्नोमेना पेलेडियम यह कहाँ इन्फेक्शन करता है आपको बताना है ये बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी इन्फेक्शन कर देता है हमारी यूरिन में जो हमारा मूत्र होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली ये हमारे किडनी को डैमेज करने का काम करता है किडनी डैमेज कर देता है ये ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है अब किडनी किस सिस्टम में आती है तो मैम किडनी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है तो ये किस सिस्टम को डैमेज करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभावित करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र मतलब जो यूरिन है उसके अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है प्रॉपर मतलब जो रेशियो होता है वो गड़बड़ जा गड़बड़ा जाता है हाँ ट्रिप्नोमेनिया या ट्रिप्नोमेना पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होता है और याद रखेगा ये जो बीमारी है वो क्या होता है हम्म देखिए इस बीमारी के अंदर क्या होता है याद रखिए हमारी यूरिन में इन्फेक्शन होता है शायद आपको मैं ये पहली बीमारी पढ़ा रही हूँ जिसमें आपकी किडनी ख़राब हो रही है या जो यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप याद रखिएगा कि सिफिलिस में क्या होता है हमारी यूरिन में इन्फेक्शन होता है यूरिन में जो ग्लूकोज होता है वो ज़्यादा निकल जाता है यूरिन के थ्रू प्रॉपर हमारा फिल्टर नहीं हो पाता है यूरिन या ब्लड ब्लड भी निकलने लग जाता है इस बीमारी के अंदर क्योंकि जो हमारे किडनी है किडनी का काम क्या होता है ब्लड में से यूरिन अलग करना ब्लड अलग करता है किडनी और यूरिन अलग करता है तो इस बीमारी में जो हमारी यूरिन है उसके अंदर ब्लड का अमाउंट ज़्यादा बन जाता है और ये किस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभावित करता है एक बात याद रखना ये जो बीमारी है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैलती है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जो स्पम और ओवम होती है उनके आपस में कॉन्टेक्शन कॉन्टेक्ट आ, उनके आपस में आ, मतलब कॉन्टेक्ट से भी ये फैल जाता है ठीक है उसके बाद आप याद रखिएगा एक बात और कि ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं उनको हम एस टी डी कहते हैं उनको हम एक्स टी डी एस टी डी का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताएंगे सेक्सुअली ट्रांसमीटेड ट्रांसमीटेड डिजीज़ कहने का मतलब है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती हैं उन बीमारियों को हम एस कहते हैं जैसे एच एड्स बताया था मैंने सेक्सुअल से ग्रो करती हैं ऐसे ही आपको याद रखना है जो तो सिफलिस होती है वो भी हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है ठीक है हिंदी यहां पर कुछ नहीं है यहां पर हिंदी कुछ नहीं होते जो बच्चा हिंदी पूछ रहा है आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा एस की फुल फॉर्म आएगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ग्रो करती है उसको हम एस बोलते हैं लाइक एच एड्स सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो स्पम और ओवम है जो शुक्राणु और अंडाणु है उन दोनों के आपस में कॉन्टेक्ट से होती है ऐसे ही आपका सिफलिस भी होता है ठीक है याद कर लेंगे चलिए नेक्स्ट यहां पर है टिटनस नेक्स्ट है टिटनस टितन, टिटनस का इंजेक्शन तो सब लोगों ने लगवा रखा होगा जो डीपीटी इंजेक्शन होता है वो टिटनस के लिए भी होता है अभी बताया है, मैंने अभी पढ़ाया आपको हम्म नेक्स्ट लिखना है आपको टिटनस हम्म इसके बैक्टीरिया का नाम लिखिए इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है तो इसके कोलोस्टोडियम इसके बैक्टीरिया का बोलते हैं हम क्लोस्टिडियम इसके बैक्टीरिया का नाम लिखे पैथोजन का या बैक्टीरिया का क्लोस्टोडियम 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 नेक्स्ट आपसे पूछे कि ये बैक्टीरिया कहां रहता है तो आप क्या बताएंगे ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर रहता है मेनली ये बैक्टीरिया हमारी सोइल या मिट्टी के अंदर रहता है ठीक है अब इसके अंदर होता क्या है तो इस बीमारी के अंदर एक तो आपको फीवर रहता है बहुत तेज बुखार रहता है दूसरा हमारे जो जबड़े होते हैं ये दोनों जबड़े आपस में ब्लॉक हो जाते हैं जो लोक हो जाते हैं हमारे जबड़ों में मूवमेंट नहीं हो पाता है जैसे अभी तो हमारा जबड़ा मूवमेंट कर पा रहा है बट जब आपको टिटनेस हो जाएगा तो आपके जो लोक हो जाते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें जबड़े लोक हो जाते हैं आप क्या बताएंगे जो लोक होने वाली बीमारी कौन सी होती है टिटनेस होती है और वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है तो हम बताएंगे क्लोस्टोडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है क्लोस्टोडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है ठीक है और मिट्टी के अंदर रहता है ये बैक्टीरिया जबड़े लोक हो जाते हैं और अब आपसे पूछे इसके लिए कौन सा वैक्सीन तो वही डीपीटी डीपीटी देखो टी फोर यहां पर टिटनस पी का मतलब था काला खांसी है ना और डी का मतलब होता है डिप्थेरिया तो इसके लिए यही वैक्सीन दिया जाता है डीपीटी वाला ही दिया जाता है हाँ बेसिकली ये जो होता है मिट्टी के अंदर या जो बायोमास होता है ना बायोमास लाइक गोबर वगैरह तो गोबर वगैरह से हो जाता है अब आप सोच रहे हो मैम गोबर तो हम खाते ही नहीं है <laughs> हम्म तो मतलब गोबर मास का मतलब है इनडायरेक्टली मतलब कोई भी आप ऐसे जानवर के जैसे कैसे बताऊ आपको जैसे आ, कुत्ता हो गया जैसे कोई भी कुत्ता या कोई बकरी हो गया गाय हो गया भैंस हो गया उन्होंने गोबर किया तो गोबर के ऊपर ही वो बैठ गए तो वो कुछ गोबर उनके थ्रू आपके अंदर आ गया कैसे इस गोबर के अंदर क्या था क्या उस गो, गोबर के अंदर आपका बायोमास के अंदर था क्लोस्ट्रोडियम तो वो कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली आपके अंदर आ गया तो हो गया ये सार्थक अगर आपका एक कॉमेंट और मुझे स्क्रीन पर दिखा तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से आप एक कमेंट को यहां पर 20 बार कर रहे हैं सार्थक जी आप बोल रहे हैं मैम सिलेबस कब कंप्लीट होगा तुम शायद क्लास में लेट आए हो सार्थक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं सिलेबस एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा आपका और यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट करना ही मोटो है क्या सिर्फ चलिए तो ये हो गया आपका जो लोग होने वाली बीमारी हां नेक्स्ट है आपका टाइफाइड 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 को हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार मियादी बुखार मियादी बुखार, ठीक है देखिए टाइफाइड में पैथोजन कौन होता है इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है टाइफाइड का पैथोजन होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाई या टाइफी भी बोलते हैं इसको साल्मोनेला टाइफी ठीक है ये वेक्टर कौन होता है इसका वाहक कौन होता है ये हवा में रह सकता है एयर में रह सकता है और ये पानी में भी रह सकता है ठीक है टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बहुत बार पूछा जाता है बता देती हूँ मैं विडाल टेस्ट करते हैं विडाल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता बस विडाल विडाल टेस्ट का ही नाम है यही आपको याद रखना है कि विडाल के लिए कोई फॉर्म नहीं होता बस विडाल ही याद रखते हैं हाँ मम्प्स में भी जो लोग होते हैं और यहां पर भी होते हैं बिल्कुल सही बोला बट मम्स में क्या होता है गले वाला पार्ट सूज जाता है बट यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया है उसमें आपका क्या होता है जो टिटनेस होता है उसके अंदर जबड़े लोक होते हैं सिर्फ सूजन भूजन नहीं आती है ठीक है तो ये आपको याद रखना है टाइफाइड के टाइम पर कौन सा टेस्ट करते हैं वुडाल टेस्ट करते हैं अब टाइफाइड क्या होता है तो मुझे लगता है सब बच्चों को कभी ना कभी तो टाइफाइड हुआ ही होगा बुखार रहता है हाथ पैरों में दर्द होता है मसल्स में दर्द रहता है हड्डियाँ जो जॉइंट्स हैं यहाँ वाले ये वाले घुटने हो गए उनमें दर्द रहता है ठंड लगती है ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं ये क्या लिखवाऊँ मैं टाइफाइड में ठीक है हाँ मम्स में भी जो लोग होते हैं बट एक बात याद रखिएगा मैं आपको बता देती हूँ सार्थक थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे फ्लार्स देने के लिए बट आपका सिलेबस कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग ही होगा सार्थक आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा हो गया चलिए इतनी डिजीज आपको बैक्टीरिया में याद करनी थी आपकी वायरस और बैक्टीरियल डिजीज दोनों कंप्लीट हो गई वायरस भी कंप्लीट होगी और बैक्टीरियल भी कंप्लीट होगी अब आप नेक्स्ट लिखिए यहां पर हम्म अब आपको लिखना है फंगल डिजीज अब आपको लिखना है फंगल डिजीज फंगल डिजीज देखो फंगल का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो किससे हो कवक से हो कवक जनित रोग कवक जनित रोग ठीक है कवक जनित रोग इन्फ्लुएंजा वायरस में आती है काजल इन्फ्लुएंजा वायरस में आती है ठीक है फंगल डिजीज हम्म, एक बात याद रखना जो फंगस होते हैं मेनली एक दो फंगस को छोड़कर जितने भी सारे फंगस हैं वो सारे आपको स्किन में ही इंफेक्शन करते हैं वो सारे आपको त्वचा में इंफेक्शन करते हैं जितने भी फंगस हैं वो सब किस में किस में करते हैं हमारी स्किन में इन्फेक्शन करते हैं आप पूछते हैं आपसे कि फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलोजी माइकोलोजी बहुत बार पूछी जाती है और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है तो मैम फंगस की कोशिका भित्ति काइटीन की बनी हुई होती है आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था ठीक है और फंगस कौन से किंगडम में आते हैं तो फंगस का किंगडम है फंजाई इनका किंगडम है फंजाई इनका अलग से किंगडम है इनका किंगडम फंजाय होता है बट एक बात याद रखिएगा कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता फंगस में क्लोरोफिल आगे क्लोस लगा दो नहीं पाया जाता इसीलिए फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करता इसीलिए फंगस कभी भी फोटोसिंथेसिस कभी पूछ ले आपसे कि फंगस में फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं आप बताएंगे फंगस में कवक में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता इसलिए फंगस क्या करते हैं सिंबायोटिक रिलेशन में रहते हैं मेनली या हेटेरोट्रोपिक मोड में रहते हैं हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है परपोसी जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको हम हैट्रोट्रोप्स कहते हैं तो फंगस का जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो क्या होता है मैम वो वो मैम हमेशा एट्रोटोपिक या फिर वो सिम्बायोटिक रिलेशन वाला होता है ठीक है हाँ फंगस अच्छी भी होती है फंगस बुरी भी होती है अच्छी फंगस मशरूम मशरूम एक फंगस है जो हम खाते हैं मशरूम वो फंगस होता है वो प्लांट नहीं होता है मशरूम उन्होंने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है? है ना तो वो क्या होता है वो फंगल होता है बुरी फंगस बुरी फंगस का मतलब है जो हमें डिजीज कोज करती है जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ और एक बात और याद रखेगा फंगस से हम एंटीबायोटिक भी बनाते हैं एंटीबायोटिक्स भी किससे बनती हैं फंगस से बनती है एंटीबायोटिक क्या होती है प्रतिजैविक ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट ली जाती हैं कोई भी ऐसी बीमारी जो किससे होती है बैक्टीरिया से होती है उसके अगेंस्ट आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं प्रतिजैविक तो याद रखिएगा जो अच्छे फंगस हैं उनसे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं अच्छे फंगस को हम खाने में भी काम में लेते हैं हम मतलब आ, ईटेबल होते हैं फंगस को जैसे मशरूम हो गया एक सैलड आता है मतलब यहाँ पर चाइना में आता है यहाँ नहीं आता इंडिया में नहीं आता मार्को जायका कहते हैं उसको मार्को जायका मार्को जायका तो वो भी एक टाइप का फंगस होता है वो भी एक खीरे टाइप का होता है एक अलग टाइप का सैलड होता है तो खाने में भी काम में लेते हैं बट जो ख़राब होती हैं वो हमें क्या करती हैं वो हमें डिजीज़ करती हैं कोज करती हैं डिजीज़ कोज करती हैं हम बीमारियाँ कर देती हैं अब कौन कौन सी बीमारियाँ तो वही हमें अब पढ़नी है फंगस डिज़ीज़ कौन कौन सी होती हैं कौन कौन सी फंगस डिजीज हो सकती हैं मेनली आपको यहां पर पांच बीमारियों के नाम पढ़ने हैं जो फंगस से होती हैं वो पांच होती हैं मेनली यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और एक तो बहुत ही ज्यादा रिपीट होती है देखिए सबसे पहला है आपका रिंग वोम सबको बताया रिंगवोम क्या होता है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको पता ना हो रिंग बोप क्या होता है रिंग वो क्या होता है दाद होता है और दाद कहाँ होता है हमारी स्किन पे होता है और स्किन से होने वाली बीमारी किससे होती है फंगस से होती है ठीक है अब बात आती है कि ये किस फंगस की वजह से होता है दाद तो आप इस फंगस का नाम बताओ और फंगस के जैसे मैं नाम लिख रही हूं वैसे ही होते हैं ठीक है इसका नाम होता है ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन लुम्ब्रिकोड लुम्बरी कोडई ठीक है इस फंगस की वजह से हमारी स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है आप उसको ईचिंग लोगे, मतलब थोड़ा सा उसको खुजला लोगे और आगे चलकर वहां वहाँ से ब्लीडिंग सी होने लग जाती है थोड़ी बहुत पोर से बन जाते हैं स्किन के ऊपर जिसको हम दाद का नाम देते हैं बस आपसे ये पूछेगा कि जो रिंग वॉर्म होता है वो किसके इन्फेक्शन से फंगस के इन्फेक्शन से और फंगस के इन्फेक्शन में कौन सा फंगस ट्राइकोफाइटोन लुम्बरी कोडाई हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैं इसका नाम नहीं लिख रही हूं अलग से ठीक है तो एक तो हो गई फंगस से ये दूसरा लिखेंगे आप स्कैबीज।, स्कैबीज का मतलब होता है खाज अब खाज क्या होता है वो क्या बताऊं मैं बस आप फंगस का नाम लिख लो कि किस फंगस की वजह से होता है आप बताएंगे एस्केरस एस्केरस स्कैबीज या एस्केरस स्केबिया स्केबिया इस नाम के फंगस से आपको खास हो जाती है ठीक है नेक्स्ट यहां पर तीन नंबर पे यहां लिख रही हूं मैं अस्थमा अस्थमा भी किसकी वजह से होता है अस्थमा भी आपको फंगस की वजह से हो सकता है अस्थमा दो तरीके से हो सकता है एक तो अस्थमा धूल मिट्टी के पार्टिकल जाने से हो सकता है कोई भी खराब चीज है धूल मिट्टी आपके लिए बाहर से आया कोई पार्टिकल वो हमें सूट नहीं कर पाया उसकी वजह से हो सकता है दूसरा अस्थमा एक फंगस की वजह से भी होता है कौन सा फंगस की वजह से अस्थमा होता है आप उसका नाम लिखिए एस्प्रीजील फ्यूमिगेटस एस्प्रीजिल फ्यूमिगेटस फ्यूमिगेटस ये एक फंगस का नाम है इसकी वजह से आपको अस्थमा होता है होता क्या है ये फंगस जो है वो एयर हवा के अंदर रहता है आपने इस हवा को ले लिया जिस हवा के अंदर यह फंगस है हवा कहां से आती है मैम ज से कहाँ जाती है मैम हमारी श्वास नलिका में ऐसे आपकी विंड पाइप है तो ये फंगस एयर के अंदर आया धीरे 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 ऐसे 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 आकर चिपकना स्टार्ट हो जाता है आपकी विंड पाइप की जो अंदर की साइड दीवारें होती हैं उसके अंदर तो अब क्या होगा विंड पाइप से यहाँ से एयर आ रही थी मैम धीरे 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 ये विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगा ऐसे बहुत ज़्यादा फंगस आ जाएंगे यहाँ पर लग जाएगा और एयर का रास्ता ब्लॉक एयर का रास्ता ब्लॉक तो किसका रास्ता ब्लॉक ऑक्सीजन का किसकी कमी होगी ऑक्सीजन की और अस्थमा वाले पेशेंट में किसकी कमी होती है ऑक्सीजन की अब डॉक्टर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बोलेगा ठीक है तो ये याद रखना है आपको एस्प्रीजिलस फ्यूमिगेटस नाम का एक क्या होता है फंगस होता है जो एयर के अंदर रहता है आपने वो एयर ली वो सांस लिया तो आपके अंदर आ जाएगा आने से आपके विंड पाइप में अंदर की साइड आकर चिपक जाता है चिपकने से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी सांस लेने में दिक्कत मतलब एयर के एंटर करने में प्रॉब्लम एयर के एंटर करने में प्रॉब्लम मतलब ऑक्सीजन के एंटर करने में प्रॉब्लम और आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी रहती है जिसको हम अस्थमा या दमा रोग का नाम देते हैं नेक्स्ट आपको यहां पर लिखना है चार नंबर पे मैं यहां लिख बाल्डनेस बालनेस समझते हैं गंजापन टाइप बाल बाल हो हो. का फंगस होता है कभी कभी बालों में डेंड्रफ हो जाता है वह हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है आपका हेयरफॉल होता है और आप गंजे हो जाते हो तो किस फंगस की वजह से आप गंजे होते हो उसका नाम आप लिख सकते हो उसका नाम है आ, उसका नाम है टीनिया पैडिस उसका नाम है टीनिया पैडिस इस फंगस की वजह से आप क्या हो जाते हो गंजे हो जाते हो जाते ये है ये डेंड्रफ का नाम है टीनिया पैडिस ठीक है चार हो गई चलो पांचवी कहां लिखूं मेरे पास कहाँ स्पेस है ऊपर हम्म यहां पर लिखती हूं मैं पांचवी बीमारी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है जिसको बोलते हैं एथलीट फीट एथलीट फूट या एथलीट फीट, एथलीट फीट, एथलीट जैसे पैर एथलीट फीट किसकी वजह से होता है आप लिखेंगे एथलीट फीट जो है वो दो फंगस की वजह से हो सकता है देखिए ये तो है यहां पर टीनिया पैडिस हाथी पांव अलग होता है नहीं यार तुम लोग थोड़ा रुक जाया करो चंदन कुमार राज हाथी पाव एल्फेंटियोसिस होती है या फिलेरियसिस होती है हाथी पाव एक प्रोटोजोनल डिजीज होती है जबकि एथलीट फीट जो होती है वो फंगल डिजीज होती है और ये दो फंगस की वजह से हो सकता है कौन कौन सा एक तो होता है माइक्रोस्पोरियम माइक्रोस्पोरियम स्पोरियम माइक्रोस्पोरियम दूसरा टीनिया कैपेटिस कैपेटिस इन दोनों की वजह से आपको क्या हो सकता है अथलीट फीट हो सकता है ठीक है माइक्रोस्पोरियम और कैपेटिस की वजह से होता है क्या है इसके अंदर जो घुटनों के नीचे वाले पैर है आपके या आपका जो एंकल वाला पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है यहां पर आपके दोनों पांव सूज जाते हैं दोनों पैर सूजने वाली बीमारी को दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है सूजने वाली बीमारी को अथलीट फीट कहते हैं जबकि एक पांव सूजकर हाथी जैसा हो जाता है उसको अथलीट फीट कहा जाता है तो उसको एलिफेंटियोसिस कहा जाता है वो आगे पढ़ेंगे हम ये आपको यहां याद रखना है कि फंगस की वजह से अथलीट फीट होता है ना कि एलिफेंटियोसिस होता है ये आपको याद रखना है और यहां पर दोनों पैरों में सूजन होती है ये कैपेटिस या माइक्रोस्पोरियम की वजह से होता है कृष्णा कुमार बिल्कुल पूछिए आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर गुस्सा नहीं होता है बेटा ठीक है जल्दी पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर हो गई पांच बीमारियां जो किसकी वजह से होती हैं जो फंगस की वजह से होती हैं देखो अगर ज्यादा याद नहीं कर सकते एक तो ये याद रख लो दाद वाला ये ज्यादा पूछा जाता है एक स्कैबीज ये भी पूछा जाता है और तीसरा एथलीट फीट पूछा जाता है जो माइक्रोस्पोरियम या कैपेटिस नाम के फंजाई की वजह से होता है पांच बीमारी आपको फंगस में पड़नी थी फंगस में इतनी ही होती है इसके अलावा फंगस में कोई बीमारी नहीं आती है आप इतना ही याद रखेंगे अब नेक्स्ट है आपका हम्म पूछिए आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे प्लीज पूछिए इतनी आपकी फंगल डिजीज है जो आपकी कंप्लीट हो गई नेक्स्ट है प्रोटोजोवा डिजीज नेक्स्ट लिखिए प्रोटोजोवा डिजीज बस प्रोटोजोवा डिजीज कल पढ़ेंगे आज के लिए इतनी बहुत है अब आप प्लीज मुझसे अपने जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं कल भी आपकी क्लास होगी बट कल आपकी क्लास लेट होगी कल मैं आपकी क्लास लगाऊंगी रोहन बताओ कि, आप आ जाओगे क्लास करवाने किस टाइम लगाऊं इवनिंग में दो बजे लगा लू दो से चार एक से तीन ठीक है हाँ तो कल आपकी एक से तीन हाँ कल आपकी एक से तीन क्लास लगा लेते हैं ठीक है कल आपका एक से तीन क्लास होगा यहीं पर आगे आप वीडियो रिपीट करके वापस नोट्स बना सकते हैं उपेंद्र कुमार मैं आपका क्वेश्चन देखूंगी बेटा मुझे वायरल हो रखा था मैंने मोबाइल फोन इतना छुआ भी नहीं था तो मैं नहीं देख पाई ठीक है गौरव तोमर आप क्या पूछ रहे हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं बेटा कमेंट बहुत सारे आते हैं तो मैं नहीं देख पा रही हूँ आपके अभी पूछ सकते हैं आप आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे जो भी आप डिजीज के बारे में या कुछ भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए कल एक से तीन क्लास होगी आपकी जो मैंने दो दिन बीच में क्लास ली नहीं ना तो वो मैं आपका करवा देती हूँ मैम गालों पे डिंपल स्पेशल केस क्यों है अच्छा ये क्वेश्चन था आपका मतलब इतनी क्वेश्चन के लिए आप इतना कर रहे थे मैम आप इतना फास्ट बोलती हैं कि हम पांच आवर्स में आपका एक वीडियो ही लिख पाता हूँ अच्छा इतना जल्दी पढ़ाती हूँ मैं और फिर भी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा फिर भी तुम लोग रोज कंप्लेट करते हो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रीट प्रोटीन काजल अगर ऑप्शन में प्रोटीन है तो बेटा ऑप्शन में प्रोटीन ही सही करोगे ठीक है हाँ एक से तीन क्लास होगा एक से तीन कल क्ला, आपका क्लास होगा कल मैं आपको एनिमल किंगडम कंप्लीट करवाऊंगी एक से तीन या एक से साढ़े तीन जब भी पहले ये डिजीज है डिजीज आधे घंटे का चैप्टर बचा है आपका हार्डली और उसके बाद आपका दो ढाई तीन घंटे जितना भी घंटे में कंप्लीट होगा आपका आ, ये आपका क्लास आ, एनिमल किंगडम तो कल हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे कल एनिमल किंगडम और मैं बता देती हूँ आपका क्या सिलेबस है। जुलॉजी में एनिमल किंगडम बचा है और वो कल हो जाएगा आपका और फिर जुलॉजी में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ही चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम और कुछ मसल्स और जॉइंट। बस ये तीन चैप्टर बचे आपके जुलॉजी में एक बार फिर कान खोल के सुन लो इसके आज इसके बाद मुझे कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्लास हुआ कि नहीं हुआ कितना सिलेबस बचा मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी कान खोल के सुन लो बता दे रही हूं मैं आपको कल मैं एनिमल किंगडम कंप्लीट करवा दूंगी एनिमल किंगडम और ये डिजीज तो हो ही जाएगा कंप्लीट ठीक है हम्म ठीक है उसके बाद आपका क्या बचेगा उसके बाद आपका बचेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र एक क्लास का चैप्टर है एक क्लास ओनली और एक क्लास में मैं आपको जॉइंट्स और मसल्स पढ़ाऊंगी बस और आपका जुलोजी कंप्लीट हो जाएगा अब मत बोलिएगा मुझे कि आपने कंप्लीट नहीं करवाया मैंने सारा पढ़ा दिया जुलोजी, कितने शायद इतने में आपका तेईस सौ लेक्चर हो जाएंगे जुलोजी के उसके बाद मैं बॉटनी स्टार्ट करूंगी ठीक है उसके बाद में बॉटनी स्टार्ट करूंगी रवि पाल प्लीज पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं अच्छा ऑफलाइन वीडियो पांच दस मिनट के बाद रुक जा रहा है ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है रविपाल कह रहे हैं अच्छा कैसे पढ़े हो और क्या पढ़े जितना पढ़ाया उतना पढ़ो कैसे क्या जिसे पढ़ना है वैसे पढ़ो बोटनी ज्यादा दिन की नहीं है बोटनी पांच छह क्लास की दो दो घंटे की दस घंटे का बोटनी है हार्डली ठीक है चलो और यही आपकी तीन से चार क्लास आपकी केमिस्ट्री में बची हैं वो भी आपकी हो जाएंगी डोंट वरी काजल क्या पूछ रही हो आप हाँ, काजल ने क्या पूछा एक बार काजल कमेंट दिखाना नीचे करके डिस्कवर्ड कोलेरा जम्स अगर आपसे पूछे तो रोबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने मैं कंफर्म नहीं हूं बट आई थिंक रोबर्ट कोच ही होना चाहिए रोबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने जो कोलेरा वाले जम्स हैं उनकी खोज की थी कोलेरा जम्स ठीक है काजल अरे इस गौरव का गौरव का डाउट दिखाओ बहुत बोल रहे कहा गया गौरव आपने एक बार भी तो कमेंट लिखा नहीं रिपीट कहां कर दिया आपने क्या पूछा है गौरव का दिखाओ क्या कह रहे हैं मोरबिली वायरस चलो लास्ट में कर दो गौरव से वापस गौरव एक बार वापस बताइए अच्छा मोरबिली वायरस मोरबिली वायरस मीजल्स वाले वायरस को ही कहा जाता है जो खसरा होता है उसी का ही दूसरा नाम मोरबिली डिजीज होता है ये डाउट तुम्हारा और कितनी देर से पूछ रहे हैं आप ठीक है चलिए फेज का मतलब किल करना काजल फेज का मतलब होता है किल करना मारना चलिए हो गया आज के लिए बहुत है कल मिलेंगे कल एक से तीन आपकी क्लास होगी कल संडे हालांकि बट क्लास होगी आपकी एक से तीन याद रखिएगा